हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में। दोस्तों वीक की समाप्ति 6 मार्च 2020 को होने के बाद दोस्तों ये वीकली मार्केट अपडेट का वक्त है और आप सभी जानते हैं हम इसमें यूएस डॉलर, आईएनआर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल और दोस्तों वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट के मेजर इंडाइसेस की एनालिसिस करते हैं और इंडिया के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50, ब्रॉडर मार्केट के लिए निफ्टी 500 और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करके हम संभावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले सप्ताह में किस तरह के मार्केट की रेंज होने की संभावना है। दोस्तों हम सभी जानते हैं टोटल स्टॉक मार्केट में वर्ल्ड वाइड एक पैनिकी का माहौल है, खास करके कोरोना वायरस के एक पेंडेमिक डिक्लेयर होने के बाद वर्ल्ड वाइड कई देश इससे अफेक्टेड हो चुके हैं और हमारे देश में भी कई अराउंड 29-30 केसेस ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। तो दोस्तों ये एक चिंता का विषय जरूर है दोस्तों। तो हम प्राइस एक्शन द्वारा देखते हैं क्योंकि हम सभी मानते हैं मार्केट एक लीडिंग इंडिकेटर है दोस्तों। तो प्राइस चार्ट एनालिसिस के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए एनेबल करना ना भूलें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि दोस्तों आप हमेशा अपडेटेड रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों वीकली मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके आने वाले सप्ताह के लिए, नए वीक के लिए। तो चलिए इस वीक की एनालिसिस हम गोल्ड के प्राइस चार्ट से चालू करते हैं। ये गोल्ड का प्राइस चार्ट है दोस्तों और हम इसे डेली टाइम फ्रेम में लेते हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं ये क्लियरली अप ट्रेंडिंग मूव में है और हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। दोस्तों लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि इसके जो प्राइस की जाने की संभावना है 1665 डॉलर्स के पास। दोस्तों उससे अधिक हाई पर इसने हाई जो बनाया है वो बनाया है 1673.3 डॉलर्स का। तो दोस्तों अब इसने यहाँ पर आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, जहाँ पे प्राइस में मल्टीपल रिजेक्शन हम यहाँ देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ क्लैरिटी के लिए। देखिए प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शन यहाँ पर देखा है और अल्टीमेटली इसका ब्रेकआउट हुआ 5 मार्च 2020 को। तो दोस्तों 1640 से लेकर 1645 का जो जोन है वो एक अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ ताकि हम उस डिमांड बैंड को समझ सकें। ये दोस्तों मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सपोर्ट है, ये कंसोलिडेशन बैंड है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है और दोस्तों EMA 21 जो है वो है 1623 पे। तो दोस्तों ये एक मीन रिवर्जन की प्रोसेस जारी रहेगी बट इसमें काफ़ी बड़ा हाई बनाने की संभावना दिख रही है क्योंकि आप देखिए इस राइज के बाद में एक यहाँ कंटिन्यूशन पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस चार्ट पर। ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस चार्ट पे हम देख सकते हैं, लास्ट वीक में भी हमने क्लैरिटी के साथ में डिस्कशन किया था कि ये एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ चुका है और यहाँ पर दोस्तों पुल बैक के बाद हमने फिर से करीब EMA 21 के पास से प्राइस का रिजेक्शन देखा और आप देखिए दोस्तों ये एक कंटिन्यूसली लो बना रहा है। इसका तात्पर्य है दोस्तों कि अब 52 से 53 डॉलर्स जो है वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा इस जगह पे। और इसके और फर्दर अगर हम एक प्राइस एक्सपेंशन की बात करें दोस्तों तो देखिए पिछली इम्पल्सिव वेव यहाँ तक फॉल की। तो दोस्तों इसे मैंने गलत टूल सेलेक्ट कर लिया है, लेट मी करेक्ट एक्सपेंशन टूल।
तो दोस्तों अगर हम इसको देखें तो यहाँ से लेकर ये ऑलरेडी 127.2% का एक्सपेंशन हो चुका है, तो दोस्तों पॉसिबिलिटी इसकी $43 तक भी गिरने की हो सकती है। हाउएवर प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है डाउन साइड में, तो एक पुलबैक की भी संभावना है जो प्राइस को दोस्तों इस रेंज में ले जा सकता है, जो रेंज है दोस्तों $49 से लेकर $52-$53 के आसपास में। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं, यूएस डॉलर आईएनआर पेयर को डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि कई वीकली एनालिसिस के दौरान इस बात की चर्चा की गई थी कि ये एक 70.3 से लेकर 72.1 के जोन में ट्रेड हो रहा है, और जब भी इसका ब्रेकआउट 72.1 के ऊपर होगा तो हमने ये देखिए वर्टिकल लाइन से दोस्तों लास्ट वीक की ये प्राइस चार्ट पे ड्रॉ की गई है, हमने टारगेट की बात की थी इसके बहुत यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन करेंसी के काफ़ी वीक होने की संभावना है और $73.7 तक वीक होने की संभावना है, लेकिन दोस्तों इसने और भी ज़्यादा वीकनेस दिखाई। अब दोस्तों प्राइस काफ़ी ओवर एक्सटेंडेड नज़र आ रही है और हम एक करेक्शन इसमें देख सकते हैं जो शायद प्राइस को 72.2 के रेंज में एक मीन रिवीजन प्रोसेस में लाए, क्योंकि ईएमए 21 जो है दोस्तों अभी 72.4 पर है, तो एक करेक्शन की संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता है क्योंकि पैराबोलिक राइज हम देख सकते हैं। हाउएवर इंडियन करेंसी वीक हो चुकी है और अब दोस्तों इसने एक बेस बना लिया है 72 से लेकर 72.2 का, और इसके मीन रिवर्जन के बाद में फिर फर्दर हायर जाने की है, मींस वीकनेस की है। अब दोस्तों चलते हैं ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स को देखते हैं। दोस्तों एक ये वर्टिकल फॉल इसने देखा और दोस्तों ये काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, प्राइस एसएमए 233 के नीचे ट्रेड हो रही है, और केवल ये है दोस्तों कि फिलहाल ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है और प्राइस ओवर एक्सटेंडेड होने से एक पुलबैक की संभावना हो सकती है। आप देखिए ये कंसोलिडेशन बैंड है, तो दोस्तों और यहाँ पर पिछला जो अगर हम पूरे ये इम्पल्सिव वेव को ध्यान से देखें तो इसका रिट्रेसमेंट भी जो आता है इस जगह पे आता है 61.8% 6100 के आसपास में, तो दोस्तों हो सकता है प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, एक पुलबैक की संभावना हो सकती है और ये पुलबैक प्राइस को ले जा सकता है दोस्तों ऊपर में 6450 तक। तो चलिए दोस्तों अब हम यूरोपियन इंडेक्स को देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स को तो हमने देख लिया, अब दोस्तों हम चलते हैं फुटसी यूरो टॉप 100 के प्राइस चार्ट को। हम इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट लाइन थी, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ मल्टीपल सपोर्ट है, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया था और इसका ब्रेकडाउन हो गया है जो गुड सिग्नल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये काफ़ी वीक नज़र आ रहा है और अब दोस्तों इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम देखेंगे 2900 के पास में इसे अपसेट जाने में। अब दोस्तों चलते हैं S&P 500 को देखते हैं। दोस्तों S&P 500 में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइस ऑल्दो SMA 233 के नीचे तो ट्रेड हो रही है, लेकिन फर्दर हम क्या देख सकते हैं इसे मैं थोड़ा एनलार्ज करता हूं दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों एक कंसोलिडेशन बैंड है, मल्टीपल सपोर्ट था और ये ऊपर की लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड बैंड है जहाँ से हम बाइंग आते हुए देख रहे हैं, ये प्राइस एक्शन से क्लियरली समझ में आता है दोस्तों। इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं दोस्तों कि प्राइस में यहाँ पर एक गैप डाउन है, यहाँ पर एक गैप का फॉर्मेशन है, ऑफकोर्स ये गैप का फिल हो चुका है, इसके बाद दोस्तों फिर यहाँ गैप का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पे गैप का फॉर्मेशन है, तो दोस्तों ये पॉसिबली एक एग्जॉशन गैप भी हो सकता है क्योंकि मल्टीपल गैप्स नज़र आ रहे हैं और जब भी गैप डाउन यहाँ पर हुआ है तो हम इसमें बाइंग आते हुए देखते हैं। यहाँ भी हम देखें ये डिमांड जोन से बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है, ऑल्दो दोस्तों इसको एक बहुत हेवी रेजिस्टेंस 3100 से लेकर 3135 के जोन में, लेकिन दोस्तों हम इसमें पुलबैक की
की संभावनाओं को रूल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड बैंड पे ट्रेड हो रहा है। चलिए दोस्तों अब एशियन इंडेक्स में कॉस्पी को देखते हैं। दोस्तों कॉस्पी के प्राइस चार्ट में भी इस कंसोलिडेशन बैंड को देखें, मल्टीपल बॉटम्स के बाद में इसका अपेक्स को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और प्राइस रीसेंट करेक्शन के समय में दोस्तों इसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया जो पहले रेजिस्टेंस था, अब यहाँ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है जहाँ हमने बुलिश पिन बार बनते देखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्राइस में करेक्शन हुआ लेकिन हम एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम गैप देख सकते हैं, गैप नंबर वन, गैप नंबर वन टू थ्री। तो दोस्तों अगर ये रनवे गैप है तो दोस्तों ये प्राइस एडजॉशन भी हो सकता है कि नॉर्मली तीन से ज़्यादा रनवे गैप की बनने की संभावना कम लगती है, तो हम इसमें भी एक पुलबैक देख सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको एक रेजिस्टेंस आएगा 2100 के पास में। अब हम बढ़ते हैं इंडियन इंडाइसेस की तरफ और देखते हैं मिड कैप 100 के इंडेक्स को। हम क्या देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा था। कोरोना वायरस के कारण दोस्तों एक मासिव पैनिकी का माहौल आया वर्ल्ड वाइड और एक वर्टिकल फॉल हमने देखा। अब इसमें भी हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक गैप का फॉर्मेशन है, फिर यहाँ पे गैप का फॉर्मेशन है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक कंप्लीटली प्राइस में रिकवरी आई, बुलिश कैंडल बनी। इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, सपोर्ट 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 एंड वंस अगेन यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। तो हो सकता है दोस्तों कि इसमें एक अच्छे खासे पुलबैक की संभावना हो सकती है और प्राइस दोस्तों एक रेजिस्टेंस फेस करेगी 17,000 के आसपास में। बट फिर भी दोस्तों हम 6-700 पॉइंट का अपसाइड देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें इसके स्ट्रक्चर को तो फिलहाल प्राइस SMA 233 के नीचे तो ट्रेड हो रही है लेकिन दोस्तों EMA 55 अभी भी SMA 144 के ऊपर है, तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉटम मल्टीपल बॉटम्स के बाद ये अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ, तो दोस्तों ये जो जोन है ये एक डिमांड जोन से प्राइस का रिवर्सल हम देख रहे हैं। आने वाले सप्ताह में कुछ पुलबैक हम देख सकते हैं इसमें अपसाइड मूव। चलिए दोस्तों अब हम निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट को देखते हैं। दोस्तों इसमें भी सिमिलर काइंड का एक पैटर्न नज़र आ रहा है। आप देखिए ये एक डिमांड बैंड में प्राइस गैप डाउन ओपनिंग करके प्राइस ने रिकवरी दिखाई और ये डबल बॉटम या मल्टीपल ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन था, प्राइस ने इस जोन में कंसोलिडेट किया तो 26,600 से लेकर दोस्तों 28,000 का जो बैंड है वो एक स्ट्रांग डिमांड बैंड की तरह प्राइस एक्शन द्वारा समझ में आ रहा है। अब दोस्तों प्राइस में यहाँ पे गैप डाउन है, इस जगह पे गैप डाउन है और उसके बाद ये गैप डाउन एक एग्जॉशन गैप नज़र आता है जहाँ से प्राइस ने एक रिकवरी देखी और ये डिमांड जोन बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर प्राइस 28,050 के ऊपर में ट्रेड अगर होने लगती है तो हम कुछ और अपसाइड इसमें देखने की संभावना रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकअवे गैप का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों। अब इसके अगर हम टारगेट को निकालें दोस्तों, तो अगर हम हेड से ये नेकलाइन की दूरी को नापते हैं और इसे पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट कर देते हैं तो दोस्तों देखिए इसका टारगेट भी यहाँ निकल के आता है जो 26,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नज़र आ रहा है दोस्तों इस प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड बैंड है। तो दोस्तों हम इसमें कुछ रिकवरी की आशा रख सकते हैं क्योंकि जिस तरह का प्राइस एक्शन दिख रहा है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद इसमें रिकवरी आती हुई नज़र आई है। चलिए दोस्तों अब ब्रॉडर मार्केट को समझते हैं और निफ्टी 500 के प्राइस चार्ट को देखते हैं।
सिमिलर काइंड का फॉर्मेशन दोस्तों, मल्टीपल यहां पे देखिए एक कंसोलिडेशन बैंड है जहां पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी, एक्यूमुलेशन बैंड था, तो ये दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बैंड है। और इसके बाद में यहां देखिए इस जगह पे गैप का फॉर्मेशन है, यहाँ गैप डाउन है, गैप डाउन वंस अगेन यहाँ पे गैप डाउन होके प्राइस में हम रिकवरी देख सकते हैं। और ये दोस्तों रिकवरी इस इम्पॉर्टेंट डिमांड बैंड से आ रही है, लेकिन दोस्तों अपसाइड में ये 9380 इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, तो दोस्तों कुछ पुलबैक हो सकता है, हमें अभी इसे सारा स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन नीचे साइड में दोस्तों ये एक डिमांड बैंड में है, तो ये अपसाइड मूव की संभावना नजर आती है। अब दोस्तों हम चलते हैं निफ्टी के, निफ्टी 50 के प्राइस चार्ट पे, जो एक बेंचमार्क इंडेक्स है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एनालिसिस करें तो प्राइस एसएमए 233 के नीचे आ चुकी है, जो एक वीकनेस दर्शाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो ईएमए 55 अभी भी एसएमए 144 के ऊपर है, तो ट्रेंड दोस्तों इंटैक्ट है। इसके अलावा इसमें भी हम क्या देख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बैंड है दोस्तों, जहां प्राइस ने कंसोलिडेट किया, जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ने अपसाइड मूव किया। अब दोस्तों प्राइस में इसमें भी हम देख सकते हैं गैप डाउन एंड गैप डाउन, तो दोस्तों हो सकता है ये जो गैप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो लास्ट डे में गैप बना है वो एक एग्जॉशन गैप हो, और यहाँ पे प्राइस में गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमने बाइंग आते हुई देखी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो दोस्तों प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और इस जगह सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों 10,724 अगर इस कंसोलिडेशन बैंड के लोअर फाइबर को देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। इसके अलावा दोस्तों पहले भी अगर हम देखें तो ये अपसाइड मूव के बाद प्राइस ने रिट्रेस करके यहाँ पे पिछले लो को टेस्ट किया और फिर एक नया हाई बनाया, कुछ उसी तरह की सिचुएशन इमर्ज होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर दोस्तों। तो 10,724 अगले सप्ताह का हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, प्राइस उसके नीचे है, तो 11,125 और यहां पर गैप है दोस्तों, तो 11,385, तो दोस्तों 11,125 से 11,385 का जो बैंड है वो एक सप्लाई बैंड है और रेजिस्टेंस बैंड है, और 10,724 का जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगले सप्ताह में हम एक रेंज देख सकते हैं जो 10,720 से लेके हम 11,385 का जो बैंड है इसे हम बोल सकते हैं अगले सप्ताह की एक पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज की संभावना है। अब दोस्तों हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे ताकि हम ऑप्शन डेटा को भी एक बार नज़र घुमा लेते हैं, ताकि ऑप्शन डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एनएससी की वेबसाइट हम खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और एनएससी की वेबसाइट ये ओपन हो गई, यहाँ देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है एनएससी की, और निफ्टी की स्पॉट में जो क्लोजिंग हुई है 10,989.45 दोस्तों, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 6 को जब मार्केट क्लोज हुआ। अब दोस्तों पुट साइड में हम देखते हैं इस ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन का वीकली एक्सपायरी जो 12 मार्च 2020 को एक्सपायर करेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम क्या इसमें देखते हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक तो 9,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है 11,000 स्ट्राइक प्राइस पे, लेकिन सिमिलर दोस्तों 9,49,000 है 10,800 पे, तो इसके अनुसार और दोस्तों 7,50,000 10,700 पे है दोस्तों। तो इसका तात्पर्य ये है दोस्तों, ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो 10,700 से 10,800 का जो बैंड है वो एक इम्पॉर्टेंट डिमांड बैंड की तरह काम करना चाहिए, सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, और प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार 10,725
24 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसी दिशा में ये इंडिकेट कर रहे हैं। एक ये कंफ्यूजिंग डेटा है जो 11,000 को भी सपोर्ट दर्शा रहा है, लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हमने देखी है, अगर वो एग्जॉशन गैप है दोस्तों तो प्राइस 11,000 को भी डिफेंड करने में सफल हो सकती है। अब दोस्तों हम कॉल साइड के डेटा को देखते हैं, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में हम यहां देख सकते हैं 11,500 पे दोस्तों सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है जो 18,35,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, और इसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट है 11,300 जो 12 लाख करीब 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट इसमें ओपन है। तो दोस्तों 11,300 से 11,500 का जो बैंड है वो एक सप्लाई बैंड है, तो ऑप्शन डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि 11,800 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। प्राइस एक्शन एनालिसिस 11,700 दर्शा रही है, और रेजिस्टेंस का जहां तक सवाल है दोस्तों तो 11,385 एक रेजिस्टेंस है, और यहां पर दोस्तों हम देख सकते हैं 11,400 पे भी अच्छा खासा बिल्टअप है। तो थोड़ा दोस्तों 11,500 यहां पर ऐसा लग रहा है कि इसको ब्रीच करना मुश्किल होगा, तो पॉसिबल रेंज प्राइस एक्शन के हिसाब से जो है दोस्तों 11,700 से लेके 11,385 वो मोर और लेस कहीं ना कहीं ऑप्शन डेटा से भी बहुत क्लैरिटी नहीं है ऑप्शन डेटा में, क्योंकि एक कंफ्यूजन का माहौल क्लियर नजर आ रहा है। यहां पर आप देखिए 11,000 पे भी पुट साइड में हाईएस्ट है जो मोर और लेस सेम है, 11,800 के बराबरी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो दोस्तों चलिए अल्टीमेटली हम डिसाइड करते हैं कि जो 10,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और 11,385 अपर साइड का बैंड है, उसमें इंटरवीनिंग एक रेजिस्टेंस है 11,125। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है, ये एनालिसिस का अप्रोच पसंद आया है दोस्तों, और आपको लगता है इससे कुछ वैल्यू एडिशन होता है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारे लाइक्स दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। दोस्तों फ्रेंड सर्कल में, सोशल बेस पे, व्हाट्सएप ग्रुप में इन्हें शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इन एनालिसिस का लाभ पहुंच सके, और वो भी इस प्रोसेस में आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सके इस चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए एनेबल जरूर करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग वीक।